समर इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार गोस्वामी और आज समर इंडिया की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के ग्राम पंचायत नासरपुर कटोनी में। नासरपुर कटोनी में हम पहुंचे हैं, हम इधर से निकले हुए आ रहे थे, लेकिन यहां पर हमने जैसे ग्राम पंचायत के चुनावों के विषय में ग्रामीणों से चर्चा की तो यहाँ पर वर्चस्व बनाए हुए हैं अपना सुंदर सिंह पाल अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं ग्राम पंचायत के मामले में। एक बार हमारा मन बना कि हम उनसे बात करें, लेकिन हम गांव में पूछते हुए उनके घर तक पहुंचे हैं, उनके घर पे समय बैठे हैं। उनके सुंदर सिंह पाल के हमारे साथ पुत्र मौजूद हैं, हम इनसे ही चर्चा करेंगे क्योंकि सुंदर सिंह पाल किसी कार्य के कारण वो कहीं बाहर गए हुए हैं। हम एक बार इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया तुम्हारा? सुभाष पाल। सुभाष पाल, सबसे पहले समर इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार कर दीजिए। नमस्कार जी। सुभाष पाल, ये बताइए, जो आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हो, ऐसा मन क्यों बना आपका? गांव के विकास के लिए। सुंदरपाल सिंह, अब से पहले आप क्या करते थे? आपके पिताजी क्या करते थे? पापा जी खेती करते थे। आप क्या करते हो? पढ़ते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा, आपका जो मन ये चुनाव लड़ने का बना, तो आपने कहा विकास के लिए। विकास की बात करें तो सभी लोग विकास की बात करते हैं, कहीं भी किसी प्रत्याशी से आप पूछ लो, लेकिन आप किस तरीके का विकास करेंगे? आप हमारे गांव में से निकल कर आए होंगे तो आपने रास्ते उस्ते सब देखे हैं, सब खराब हैं। अभी तक किसी प्रधान ने ये रास्ते भी ठीक नहीं करवाए, इसलिए हमने ये कदम उठाया है कि हम अपने गांव के रास्तों का सुधार कर सकें। यानी कि रास्तों का सुधार करने के लिए आपका मन बना चुनाव लड़ने के लिए। और भी कुछ कार्य हैं गाँव में ऐसे? हाँ, जो गरीब परिवार हैं उनके लिए घर बनाने की योजना हम लागू करवाएंगे अपनी ओर से। गाँव में हम विधवा पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जो पुराने शौचालय हैं उनकी रिपेयरिंग कराएंगे, और जिसके घर में शौचालय नहीं है हम उनके घर में शौचालय लगवाएंगे, और गाँव में नदियों नालियों के पानी के लिए तालाब की व्यवस्था करवाएंगे। इस कार्य के लिए हम अपने जिला ग्राम पंचायत के लिए अनेक से अनेक कार्य करने के लिए हम गांव में गरीब परिवार के लोगों के लिए राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, और जो पिछली प्रधानी में काम नहीं हुआ तो हम इस प्रधानी में अपनी प्रधानी में ये काम पूरा कराएंगे। ये हमारा गांव वालों से वादा है। ये है कि गांव में हो रही हर एक परेशानी से निजात दिलाना, जैसे गांव में शौचालय जिन लोगों के नहीं हैं उनके शौचालय बनवाना, जिनके हैं तो उनकी रिपेयरिंग कराना, और जो गांव में जलभराव की समस्या है उसके लिए तालाब बनवाना आदि प्रमुख कार्य इनके लिए इनके हैं जो इन्हें कराने हैं। अगर ग्रामवासी इनका सहयोग देते हैं तो ये इन सभी कार्यों को कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अच्छा, अगर विकास की बात कर लें तो जो आपने विकास का मन बना लिया, अगर आप प्रधान बन जाते हैं, आपके पिताजी प्रधान बन जाते हैं, तो सबसे पहले आपके जो मुख्य मुद्दे होंगे विकास के, वो क्या मुद्दे होंगे? गाँव में सड़क जो खराब है, यहाँ पर ये पानी वाले गड्ढे उड्ढे हैं, सड़क ठीक करवाएंगे। यानी कि सबसे प्राथमिकता, जो सबसे पहले प्राथमिकता आपकी होगी वो गड्ढा मुक्त करने की होगी अपने गांव को। अच्छा, ग्रामीण, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? कैमरा। ग्रामीणों से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं सब ग्रामवासियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि कैमरा पर अपना मतदान करके अधिक से अधिक वोटों से हमें विजयी बनाएं।